हरियाणा के सोनीपत में खौफनाक हत्याकांड, अनिल अग्रवाल समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, गैर हाजिरी चल रहे 10 पुलिसकर्मी को किया निलंबित। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के सोनीपत खौफनाक हत्याकांड, शराब ठेकेदार को 2 दर्जन से गोलियों से भुना। हरियाणा के सोनीपत में दिल दहला देने वाला वारदात सामने आया है। खेड़ा गांव की यह घटना दर्शाई जाती है, जहां गुरुवार की सुबह 32 वर्षीय नरेंद्र नंदा अपनी स्कॉर्पियो कार धुलवाने के लिए एक सर्विस स्टेशन पर गया था। तभी 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आधा दर्जन हमलावर वहां जा पहुंचे और नरेंद्र को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। किसी तरह से नरेंद्र वहां से भाग निकला, तब भी उसका पीछा किया और गोलीबारी शुरू कर दी। आरोपी ने वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाग फरार हुए। अन्य लोगों ने नरेश को भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल अग्रवाल समेत 3 के खिलाफ धोखाधड़ी का कोर्ट के आदेश पर दिए मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद NCR में HRIT कॉलेज के चेयरमैन एवं राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल समेत 3 के खिलाफ धोखाधड़ी कर दाखिले की छात्रवृत्ति हड़पने के मामले में कोर्ट ने मामला विचाराधीन होगा, जिसके लिए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की गई है। पिछले दिनों एक युवक ने इस मामले में कोर्ट में CRPC की धारा 156 के तहत शिकायत दर्ज की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। गैरहाजिर चल रहे 10 पुलिसकर्मी निलंबित। गाजियाबाद NCR में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रहे 10 सिपाही को निलंबित कर दिया है। यह सभी सिपाही लाइन में तैनात थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से इन सिपाहियों को चुनाव की ड्यूटी को लेकर इन्हें पूर्व में नोटिस भेजा गया था। नोटिस मिलने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया, इसी के चलते जिस पर बृहस्पतिवार को पुलिस ने कार्रवाई की थी। SSP का कहना है कि बिना किसी सूचना के गैर हाजिरी होना अनुशासनहीनता है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।